हमारे YouTube चैनल आरोग्य संजीवनी में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है, ऐसे में आपको इसके संक्रमण से बचने के लिए हर जरूरी उपाय करना चाहिए। यह उपाय साफ़ सफाई से लेकर खान पान की आदत से जुड़े हुए हैं। खासकर खाने में ऐसे फूड्स को शामिल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए, आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से यह बचाए रखेगा। अदरक, पुदीना, दालचीनी की चाय जरूर पिए। आयुर्वेद में अच्छा और मजबूत पाचन तंत्र को रोगों से लड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए रोज़ाना ताज़ा अदरक का एक टुकड़ा खाएं या अदरक की चाय पिए। पुदीने की चाय, दालचीनी की चाय और सौंफ की चाय भी बेहतर ऑप्शन है। आंवला गिलोय, नीम, कुटकी और तुलसी के प्रयोग, रोज़ाना एक चम्मच च्यवनप्राश जरूर खाएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। यह फेफड़ों और श्वसन प्रणाली के कामकाज को बढ़ाने में भी सहायक है। आंवला गिलोय, नीम, कुटकी और तुलसी जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में कारगर हैं। शिलाजीत और अश्वगंधा, आयुर्वेदिक अनुसार कोरोना वायरस को बढ़ने के कहर के बीच शिलाजीत और अश्वगंधा जैसी औषधीय जड़ी बूटी की मांग प्रतिशत बढ़ गई है। शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिए नियमित सेवन से मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। इससे ऐसे संक्रमण से शिलाजीत और अश्वगंधा जरूर बचाएंगे। शिलाजीत आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।